झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू तब चर्चा में आ गए जब उनके घर आयकर की टीम छापा मारने पहुंची और नोटों का जखीरा देख टीम के होश उड़ गए। हालत यह है कि आज यानी शुक्रवार को भी छापेमारी जारी है और नोट खत्म नहीं हो रहे। एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि उनके पास मिले कैश की रकम 300 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। धीरज साहू पर हुई कार्रवाई पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा हो रही है कि आखिर इतना कैश आया कहां से और धीरज साहू की कमाई का जरिया क्या है। अब असलियत तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी तक धीरज साहू की लीगल कमाई के जरिए और उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी कमाई के कई साधन हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने से पहले उन्होंने दाखिल चुनावी हलफनामे में धीरज साहू ने अपनी संपत्ति 34.83 करोड़ रुपए घोषित की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि वित्त वर्ष 2016-17 में उनकी कमाई 1.0047 करोड़ रुपए थी, यानी 1 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज्यादा। बता दें कि धीरज प्रसाद साहू झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं और कांग्रेस के नेता हैं। उनका जन्म नवंबर 1959 में हुआ था। बीए पास धीरज जुलाई 2010 में पहली बार कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 2018 में धीरज एक बार फिर झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बनाए गए। धीरज को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके भाई शिव प्रसाद साहू लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। उनका परिवार आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। 1977 में राजनीति में आने वाले धीरज 1978 के जेल भरो आंदोलन में जेल भी गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका परिवार शराब के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम से उनकी शराब कंपनी है जो धीरज साहू का परिवार शेयरिंग में चलाता है। बताया जाता है कि साहू की कई शराब फैक्ट्रियां हैं। उनकी घोषित संपत्ति की बात करें तो उन्होंने 2017 में कुल 20.41 करोड़ रुपए की चल संपत्ति होने का दावा किया था। उस वक्त शपथ पत्र में उन्होंने अपने परिवार के पास 27 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी घोषित की थी। इसमें उन्होंने खुद के पास 15 लाख रुपए, पत्नी के पास 1,25,000 रुपए और दो आश्रितों के पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बताई थी। धीरज ने खुद, पत्नी और आश्रितों के लोहरदगा, संबलपुर, गुमला, बोलंगीर और दिल्ली में कुल 22 बैंक खाते बताए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन बैंक खातों में कुल 8.59 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की गई थी। कांग्रेस सांसद ने 31,16,000 रुपए की कंपनियों और निधियों के शेयर भी बताए थे। इसी तरह धीरज ने 8 लाख रुपए की बीमा रकम का भी उल्लेख किया था। धीरज के हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर 1,51,00,000 रुपए की कुल 4 कारें भी हैं। इसमें 87 लाख रुपए की कार सबसे महंगी BMW KV42 है। इसी के साथ 32 लाख रुपए की फॉर्चूनर, 24 लाख रुपए की रेंज रोवर और 8,50,000 रुपए की सबसे सस्ती पेजोरो कार है। कुछ खबरों में ये भी दावा किया गया है कि कांग्रेस सांसद ने अपने शपथ पत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए के गहनों का जिक्र किया था। इसमें 8 लाख रुपए के 20 किलोग्राम के चांदी के गहने और 26 लाख रुपए के हीरे के आभूषण खुद के नाम बताए थे। पत्नी के नाम पे उन्होंने 94,55,000 रुपए के 3100 ग्राम के गोल्ड ज्वेलरी और 7 लाख रुपए के हीरे के आभूषणों का उल्लेख किया था। धीरज साहू ने कुल 14,85,00,000 रुपए की अचल संपत्ति होने का भी दावा किया था। सांसद ने अपने हलफनामे में 5 जगह खेती की जमीन और 1 जगह गैर खेती की जमीन होने का जिक्र किया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने खुद और अपनी पत्नी के नाम लोहारदगा, कोलकाता, रांची और दिल्ली में 4 रिहायशी घरों और फ्लैटों की जानकारी दी थी। अपने अन्य आश्रितों के नाम भी उन्होंने 2,83,00,000 रुपए की संपत्ति होने का दावा किया था। अब टैक्स चोरी के शक में आयकर विभाग ने उनकी कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की तो कैश का अकूत जखीरा सामने आया। आगे इस मामले में क्या सच्चाई सामने आती है, यह तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।